हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर प्रॉपरली लीगल एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट की जाती हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्राइम के बारे में, अपराधों के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते भी होंगे कि हमारे देश में अलग अलग क्राइम्स के लिए अलग अलग सजाएं हैं, जो कि इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत अलग अलग धाराओं में दी गई हैं। जैसा कोई व्यक्ति अपराध करता है उसके अकॉर्डिंग उसको उस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है जो उससे संबंधित होती है और उसको सजा दी जाती है। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी धाराएं इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत दी गई हैं जिनमें किसी अपराध को अपराध नहीं माना जाता। यानी कि ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें यदि कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसको अपराधी नहीं माना जाता और उसके अपराध के लिए उसको सजा नहीं दी जाती। दोस्तों, हमारा ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल है, उन लोगों के लिए है जो कानून में रुचि रखते हैं या फिर लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको उन सारे सेक्शंस की जानकारी मिले जिनमें किसी क्राइम को क्राइम नहीं माना जाता है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और सेक्शंस हमारे इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत दिए गए हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ऐसे सारे सेक्शंस के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 82 की, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 82 धारा 82 की। अब ये जो धारा है ये बताती है कि ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा जो किसी ऐसे बच्चे के द्वारा किया जाए जिसकी आयु 7 साल से कम हो। यानी कि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा यदि कोई अपराध कार्य कर देता है तो उसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। एक उदाहरण ले लेते हैं कि 7 साल का एक छोटा बच्चा अपने घर पे खेल रहा है और खेल खेल में उसके हाथ को पिस्तौल लग जाती है और गलती से उससे गोली चल जाती है, वो गोली किसी व्यक्ति को लग जाती है, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे बचाया नहीं जा सका। तो ऐसे एक्ट के लिए उस छोटे बच्चे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, उसको दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर एक बात और है, यदि ये जानने में आता है, ये प्रकाश में आता है कि कोई व्यक्ति उस बच्चे को ऐसा कार्य करने के लिए उकसाता है तो उस बच्चे को तो दंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन उस व्यक्ति को जिसने उस बच्चे से ऐसा कार्य करवाया है उसको उस क्राइम के लिए दंडित किया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 83। सेक्शन 83 बताता है कि ऐसा कोई अपराध नहीं होगा जो कि 7 साल से ज्यादा किंतु 12 साल से कम के बच्चे के द्वारा किया गया हो। यानी 7 साल से लेकर 12 साल के बीच की जो उम्र है, इस उम्र का यदि कोई बच्चा कोई अपराध कर देता है तो वो भी अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन रखी गई है, इसके लिए कंडीशन ये है कि उस बच्चे में इतनी मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए। यानी उस बच्चे में अगर इतनी मैच्योरिटी है कि वो समझ सकता है कि वो जो करने वाला है उसका परिणाम क्या होगा, फिर तो उसको सजा दी जा सकती है। लेकिन अगर उस पे इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो अपने द्वारा किए गए कार्य के रिजल्ट्स जो होने वाले हैं उसको समझ सके, तो फिर उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो जब ऐसे मामलों को विचारण किया जाता है तो सबसे पहले जो कोर्ट होती है वो ये देखती है कि जो जिस बच्चे को यहाँ कोर्ट में पेश किया जा रहा है इसका मैच्योरिटी लेवल क्या है, क्या ये चीजों को समझता है या नहीं समझता है, उसके अकॉर्डिंग इस धारा पर काम किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 84। सेक्शन 84 ये कहता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा जो कि विकृत चित्त हो, यानी कि जो मेंटल हो। यानी कि यदि किसी मेंटल व्यक्ति के द्वारा कोई क्राइम कर दिया जाता है तो कानूनन उसको सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं। इसमें कंडीशन ये है कि वो जो व्यक्ति है, वो जो मेंटल व्यक्ति है, ये देखा जाता है, उसका विचारण करते समय कोर्ट ये देखती है कि जिस समय अपराध हुआ उस समय उसकी मेंटल स्थिति क्या थी, उस समय क्या वो समझ सकता था कि वो जो कर रहा है उसका क्या रिजल्ट होने वाला है, उसको क्या सजा मिल सकती है, उससे क्या चीजें हो सकती हैं, कैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो अगर उस समय वो समझने में अक्षम हो, यानी कि उस समय वो प्रॉपरली मेंटल हो, इस स्टेट में हो कि वो कुछ नहीं समझ सकता, तो उसको अपराधी नहीं माना जाता, उसको सजा नहीं दी जा सकती। इसमें एक चीज और होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि जब अपराध हुआ उस समय उसकी मेंटल स्थिति ऐसी थी कि उसे कुछ नहीं पता था और उसने उस स्थिति में अपराध कारित कर दिया, लेकिन बाद में उसकी मेंटल स्थिति ठीक हो गई, कुछ सालों के बाद उसकी मेंटल स्थिति ठीक हो गई। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुकदमा तो कुछ समय चलता है, अब मुकदमे के दौरान जब उसको लाया गया, कोर्ट ने देखा कि इसकी तो मेंटल स्थिति बिल्कुल ठीक है,
लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोर्ट को यह देखना पड़ेगा कि जब अपराध हुआ था, यानी कि मान लीजिए अपराध अगर 2 साल पहले हुआ था, तो 2 साल पहले उसका मेंटल स्टेट क्या था उस टाइम पे जब अपराध हुआ। बात से मतलब नहीं है, बाद में चाहे वो ठीक हो जाए तब भी उसको सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन अपराध के समय अगर उसको जरा सी भी समझ थी इस कार्य की कि इसका क्या परिणाम होगा, तो फिर उसको सजा दी जा सकती है। इसके बाद आता है आईपीसी का सेक्शन 85। सेक्शन 85 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने नशे की हालत में कोई ऐसा क्राइम कर दिया जिससे दूसरे व्यक्ति को हानि हो गई, या गंभीर प्रकृति की हानि हो गई, या किसी की जान चली गई, या किसी अन्य प्रकार का नुकसान हो गया, तो उस व्यक्ति को भी अपराधी नहीं माना जाएगा, लेकिन कंडीशन यह है कि उसको जो नशा हुआ है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया हो। जैसे कि किसी व्यक्ति को किसी ने किसी ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में मान लेते हैं, कुछ नशीला पदार्थ मिला करके पिला दिया, और जब उसने वो नशीला पदार्थ पिया, वो अपने होशोहवास खो बैठा, उसको कुछ पता नहीं था, और उसने उस हालत में कोई छुरी उठा करके किसी को मार दी, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है। बस कंडीशन यह है, यह ना हो कि वो नशा खुद करता है। यदि किसी व्यक्ति ने खुद अल्कोहल लिया है या किसी और तरह का नशा किया है और उसके बाद वो कोई क्राइम कंडक्ट करता है, तो उसको सजा दी जाएगी। ये कंडीशन यह है कि यदि उस व्यक्ति को जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी के बिना उसको नशा दिया गया है और वो कोई अपराध कर देता है, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन ये साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा, अभियुक्त पर होगा, जिसे जिसने क्राइम कंडक्ट किया है। अगर वो ये कहता है कि मैंने नशे की हालत में कर दिया था और मुझे पता नहीं था, किसी ने मुझे नशा दे दिया था, तो ऐसे केस में उसी व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से ये कुछ सेक्शंस, कुछ धाराएं हमारे कानून के अंतर्गत दी गई हैं जिनमें कोई अपराध होने पर अपराधी को सजा नहीं दी जा सकती है। इसी तरह के अन्य रोचक विषय मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, उसे लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।